बड़े पप्पू लग रहे ले हैं भाई, ऐनक तो बड़ी जबरदस्त पहनी है उन्होंने। अरे कैसे आदम भाई, आदाब साहिल भाई, यार आदाब। आपका लहजा और आपकी तस्वीर ये मिलते नहीं है आपस में, मैच नहीं हो रही क्यों बिल्कुल मैच नहीं हो रही। तो पसंद नहीं आई, पसंद नहीं आई। नहीं बात ये नहीं, पसंद नापसंद की बात नहीं है, जो लहजा है आपका बोलने का है और जो आपकी शक्ल है, जी ये दोनों एक दूसरे के साथ चल नहीं रहे। ये तस्वीर कितनी पुरानी है जो आपने क्यों, लगाई हुई है? नहीं ज्यादा नहीं, 1 साल पुरानी, 10 साल पुरानी है 1 साल लखनऊ में खींची थी। यार, 1 साल पुरानी तस्वीर में आप इतने जवान थे, अब आपका लहजा इतना बुड्ढों वाला है। क्या शायद हूं ये कि यहाँ किसी और की तस्वीर लगाई है? अपने बेटे की तस्वीर तो नहीं लगा ली? अरे यार बस ये मैंने कहा से लगा मजाक, फ्रंट पे? नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, वैसे ही पूछ रहा हूँ कि बेटे की पूछो तस्वीर तो नहीं पूछो लगा ली? यार, नहीं लगाई। अच्छा बच्चे पूछे हैं, शादीशुदा की हुई है आपने कि नहीं? कितने हाँ बच्चे हैं यार, बच्चे हैं सर माशाल्लाह से? एक है, एक 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 बेटा है बेटी है? बेटी है। बेटी है, खतना करवाया उसका? अब आए हो ना पॉइंट पे। सर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली खतने की स्ट्रीम है फीमेल खतने की, तो आपने खतना करवाया कि नहीं करवाया? आदम भाई आपने शादी की नहीं सर, अभी नहीं की? नहीं सर। और साहिल भाई? अरे साहिल पहले मैं बता भी नहीं, नहीं अभी किया, पहले मेरा सवाल का जवाब दे दे पहले, फिर आगे चलिएगा। अरे मैं दे रहा हूँ यार। जी अच्छा तो साहिल मैं भाई पूछ आप रहा हूँ, पहले सिंपल आइडिया सवाल किया था आपसे। नहीं अगला सवाल आप करिएगा, मैं हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। देखिए, आदम आपने भाई खतना आदम करवाया भाई, अपनी बेटी का अगर कि नहीं करवाया, ये पूछ रहा हूँ सर, सिंपल सवाल है, हाँ या ना में जवाब आप दे सकते हैं एकदम आप? देखो इस बात पे पकड़ो माता, अभी मैं बता रहा कैसे हूँ ना, बता रहा हूँ। कैसे प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम आता है अच्छा आदम भाई आप पहले मुसलमान थे, प्याद पे यार? छोड़ दे यार, मैं जो भी था, ईसाई, अभी खतने की बात कर रहे हैं, सुनिए वो ना बात यार। करें। हाँ हाँ वही कर रहा हूँ ना भाई यार, खतने की वही बात कर रहा करें हूँ ना मुझसे यार। सर, खतना करवाया आपने अपनी बेटी का कि नहीं, हाँ या ना, फिर आगे चलें। साहिल साहिल भाई भी पहले मुस्लिम थे, आप भी पहले मुस्लिम थे, उसके बाद में तो, आप हो साहिल को गए छोड़ें, वो मुस्लिम। पागल था, छोड़ें, बेवकूफ था, जो भी था, आप अपनी बात करें। आप इस वक्त भी मुस्लिम है, अरे अपनी यार बेटी का वो खतना इतने करवाया बड़े आपने? लेक्चरर है यार, इतना 10,000 के सामने तकरीर करने वाले यार जो सवाल वाले कर रहे अभी हैं उसका चीखने वाले जवाब दे देना वल्लमा सर, थे। यही चलेबी ना घुमाए तो मेहरबानी होगी आपके सर। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बिनती मैं करते सवाल हैं सर, कर सर रहा हूँ। आपने खतना अच्छा करवाया आप बेटी का? माफ कीजिएगा, मैं जो जी बोल रहा हूँ उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सर कोई बात नहीं, छोड़ें, आप आपकी छोटी ना बोले, अम्मी, आप छोटी ना बोले, आप सिर्फ ये बता दें बेटी का खतना कराया सर, आपकी अम्मी ने खतना करवाया? बेटी का खतना कराया कि नहीं कराया? मैंने तो नहीं कराया, मैं तो मानता नहीं हूँ भाई ये सबको। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूं, आप एक मुसलमान हैं, अपनी बेटी का आपने खतना करवाया? हजरत अबू हनीफा के सामने खतना कराना जरूरी नहीं है, हम लोग नहीं कराते। बस इतनी सी बात थी, ऐसे इतनी लंबी तमीज बांध दी आपने? या देखिए इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल जवाब था, यानी कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे पहले ये बताएं, ये पिछले कूल पांच यार, मिनट में जो यार जलेबियां बनाई हैं आपने, वो क्यों बनाई है? जबकि इतना सिंपल जवाब था कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक खतना करवाना फीमेल का कंपलसरी नहीं है, लिहाजा मैंने नहीं कराया, बात बस खत्म। हाउ डिफिकल्ट इट इज, मुझे बताएं, अभी आपने बोल दिया ये बात, तो क्यों क्यों अरे पहले अभी से मुश्किल मैं क्यों लग रहा था कराते थे यार? पहले मुश्किल क्यों लग रहा था? पहले मुश्किल नहीं, मैं यही पूछ रहा था, अहले हदीसों में ये है कि नहीं है फिर मुझे पता बताएं नहीं। सर, देखें ये क्या मसला क्या है आप तमाम मोमिनीन के साथ, कि हम आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट क्वेश्चन करते हैं और आप इतना हमें जो है ना रोल देते हैं जवाब देने से पहले? इतना आसान सवाल था, इतना आसान जवाब था, एम ही आपने 15 मिनट लगा लिए। आप यार ऐसे एड्रेनोक्रोम खाया हुआ जैसा बात मत कीजिए ना यार आदम भाई, यार प्लीज कूल डाउन यार। यार मैं कूल डाउन हूं, इससे ज्यादा कूल डाउन तो मैं कभी हुआ ही नहीं। कोई गाली निकाली आपको, कोई नहीं नहीं बदतमीजी की? गाली खैर तो नहीं निकाली, कोई नहीं की, बदतमीजी नहीं की, की, तो अलहमदुल्ला फिर भाई क्यों कह रहे हैं कूल डाउन अलहमदुल्ला नहीं उन्होंने? की। तो सर ये देखे ना, सिंपल अच्छा सवाल का सिंपल जवाब आपने दे दिया सर, मैं बहुत आभारी हूं आपके। अब मुझे ये बता दीजिए छोटी सी बात, अब आगे चलते हैं आपके साथ, आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं और आई एम परफेक्टली फाइन कि आप उनकी तकलीद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लाइक इट्स गुड, इट्स गुड कि आपको पता है कि यार किसी ने जो है एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन किया है और हम उनकी बात माने। सर इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा है कि इट इज बेटर, ये अच्छा है कि आप करवाएं, लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है ये करवाना, एंड आई एम फाइन विद दैट, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने नहीं करवाया। अब मैं आपके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, आपने अपनी बात का जवाब दे दिया, लेकिन मुझे बताइए
कि उन्होंने मोहम्मद साहब की हदीसों के मुताबिक इस चीज को एग्री अपॉन करवाया किया एग्री अपॉन किया कि खतना फीमेल का होना चाहिए बट इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो भाई मुझे बताइए कि खतना फीमेल का क्यों होना चाहिए, क्यों बेहतर है कि खतना किया जाए? बात यह है कि हमारे नजदीक हमारे समझ से, अब मैं इतना होता नहीं गहरे के अंदर तो नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा ये कि वहाँ पे ट्रेडिशन है अरब के मुल्क में, इजिप्ट में, ये सब में ट्रेडिशन है, और यहूदी ईसाइयों में भी ये है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इधर उधर करते हैं, ये अफ्रीका में भी करते हैं, इंडिया में नहीं करते हैं तो अलग बात है, इधर चले मैं अब आपको यहाँ पे पहले इस बात का जवाब देता हूँ, अलग बात है, मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जी एक तो यहूदियों और ईसाइयों के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फीमेल खतना का, नंबर वन। नंबर टू आते हैं, अब आते हैं हम नबी पाक के जमाने में, जैसा कि आपने कहा वहां पे लोग करवाते थे। सर नबी पाक के जमाने में ट्रेडिशन में करवाते थे लोग, नबी पाक के जमाने में एक ट्रेडिशन था कि जब लोगों को शाम को खाने में बुलाया जाता था तो साथ में उनको शराब पिलाई जाती थी, और आपको पता है कि मल्टीपल हदीसें हैं, और इवन ये भी हदीस है कि हमारे प्यारे हजरत अली एक दफा किसी के घर में गए थे, वहां पे शराब पी के टुन हो गए, और जब नमाज पढ़ाई तो नमाज नहीं सही पढ़ सके, तो फिर आयत आई थी कि मोहम्मद जब लोग नशे की आदत में तो नमाज करीब ना जाए। और तो, लेकिन अब ये ट्रेडिशन शराब पीने का रात के खाने के साथ, ये ट्रेडिशन आ हजूर ने खत्म करवाया, राइट राइट हाँ है ना, राइट राइट खत्म करवाया। ओके, फिर वहां पे एक और ट्रेडिशन था कि हर इलाके में एक मक्का होता था, मेन मक्का था हर इलाके, काबा सॉरी, हर इलाके का अपना एक काबा था, ठीक है, एक शाम का काबा था, एक ऊपर नॉर्थ में काबा था, ट्राइब का एक काबा था, ठीक है। उस काबे के अंदर, हर ट्राइब के काबे के अंदर अपना अपना बड़ा वाला गॉड था और उनके छोटे छोटे गॉड भी थे, ठीक है। तो नबी ने इन तमाम काबों को, जज़ीरा अरब के तमाम काबों को खत्म कराया था, उनके बुतों को मस्मार कराया था, करेक्ट। और इस ट्रेडिशन को भी खत्म किया था कि लोग जिस भी इलाके में जाते थे वो पहले उस इलाके के काबे में जाके सलाम करते थे, या जो भी सजदा करते थे, सलाम करते थे, व्हाटएवर, इस ट्रेडिशन को भी खत्म कराया, करेक्ट कराया था, करेक्ट, खत्म कराया ना ट्रेडिशन को। हाँ कराया। फिर मुझे बताइए कि खतने वाली ट्रेडिशन को साथ लेके क्यों चले फीमेल के खतने वाली ट्रेडिशन को? वो देखिए वो एक शिर्क है, और शिर्क के हिसाब से एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर की आराधना करो, इसके हिसाब से वो शिर्क छोड़े, शिर्क है खत्म कराया ना, आगे चले शिर्क की एक्सप्लेनेशन ना दे, इस ट्रेडिशन को खत्म क्यों नहीं कराया, ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये ट्रेडिशन में अभी साहिल भाई एक आपने हदीस दिखाई थी ना, कौन सी वो, मतलब करो, एक औरत थी उसमें वो कराती थी, लेकिन वो क्या बोलते थी? करो लेकिन थोड़ा सा काटो, आपने वो हदीस दिखाया था, वो हदीस खोली तो बेटर के कम काटो, सुना भी दाऊद की हदीस है 5271, ठीक है। तो मदीना के अंदर, असल में ये बात हो रही है मदीना के अंदर, नबी पाक 13 साल मक्का में रहे, मुसलमान रहे, उसके बाद मदीना आए, मदीना में आए तो जो लड़की करती थी खतना, उस लड़की को इन्होंने कहा है, उस खातून को इन्होंने कहा है कि जनाब ये बेहतर है कि आप कम काटें, कंप्लीटली ना काटें। जो खतरे हैं वो चार तरह के होते हैं। एक खतना वो होता है जिसमें आप बाहर वाली फोरस्किन, जो झिल्ली निकली होती है, उसको काट देते हैं। एक वो होता है कि झिल्ली को जब आप काट रहे हैं उसको नीचे तक काटते हैं, नीचे से नीचे तक ले जाके काटते हैं, और एक फिर उससे भी आगे वाला स्टेप है जिसके अंदर आप उसके अंदर वाला लिबाडिया को भी खत्म कर देते हैं, और फिर चौथा हिस्सा है कि आपने एक सोटी घुसा देनी होती है छोटी सी उसकी जगह के ऊपर, और उसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब काट के और उसको सी देते हैं। तो चार डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है ये मैंने FGM के डिफरेंट चार स्टेजेस बताई है, किस तरीके से चार स्टेजेस में FGM होता है, लेकिन खतने में जो बाहर वाली झिल्ली है उसको काटा जाता है सिर्फ, चाहे वो नीचे तक काटा जाए चाहे वो ऊपर तक काटा जाए। तो नबी यही कह रहा है कि यार उस तक रहो, उससे आगे मत जाओ। तो ये शरा के अंदर जब आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। बात यह है कि वो वाली चीज मोहम्मद ने कंटिन्यू क्यों करवाई, वो बताइए। कम काटो, देखिए वो वहाँ का कल्चर था, वो ट्रेडिशन था, आज भी है, आज भी करते हैं अरबी लोग, आज भी करते हैं, क्यों है? वो लोग, वो लोगों का ट्रेडिशन है भाई, जैसे हमारे इंडिया में चुरकी बांधते हैं, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग जैसे कि दाढ़ी नहीं रखते हैं कोई, ज्यादातर मुसलमान, मैं नहीं रखा हूँ, इससे क्या मुसलमान होने से के हट जाएंगे, मुसलमान नहीं होगा सर? ये बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है आपसे, मेरा सवाल सिंपल है कि आपने भी ट्रेडिशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने आपकी बात को एग्री कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने अब ये बताना है कि नबी ने ऐसी गंदी ट्रेडिशन को कंटिन्यू क्यों रखा?
अगर ये गांधी ट्रेडिशन वो कंटिन्यू रखते और फर्ज और हुकुम दे देते, अगर जब तक नहीं करोगे तब लोग तुम ये मुसलमान नहीं हो गए यार तो भाई, मैंने कब कहे आप कि माँ बहन जो यार कटे होते हेलो भाई रुको साहिल रुको भाई अहले हदीस है, एकदम कट्टर अहले हदीस थे वो अरब भाई, ये वाले सवाल नहीं है कैलिफोर्निया वाले, वो भी कटा भाई, ये लेते सवाल नहीं उनके है बहनों भाई, का भी ये कटता। सवाल नहीं है भाई, ये सवाल नहीं है मेरा। मैं आपको बात कर रहा हूँ सेब के बारे में, आप जवाब दे रहे हैं मुझे केले के बारे में। भाई जान सेब के बारे में सवाल है, मैंने कहा है कि ये गंदा ट्रेडिशन नबी ने अप्रूव किया कि नहीं किया? अप्रूव किया है ना, हाँ हाँ काटो काटो मगर कम काटो, राइट? एफजीएम पे नहीं किया, एफजीसी कहा, एफजीसी थोड़ा सा काटो, थोड़ा 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 काटो कम काटो और क्या यार, थोड़ा ओके जी तुत्ती उड़ा एक थोड़ा दो, मत काटो थोड़ा तुत्ती उड़ा दो वो वाला आप, का, थोड़ा ओके फिर तुत्ती उड़ा ठीक दो। है। बात यह है कि देखो नबी नबी ने ऐसा क्यों कंटिन्यू रखवाया, दैट्स द क्वेश्चन, उसका जवाब दें। आदम भाई मैं एक बात बोलूं, वहां पे औरतें होंगे सब लेडीजों से, मेरा जो है ऑडियंस जितने भी है सॉरी, मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, नहीं आप मैंने सॉरी नहीं सुना बोलेंगे, है सिर्फ ये बताइए इजिप्ट में, सुने 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 इजिप्ट सर, में नहीं ना ये लोग करते हैं, सर इससे सवाल मजा का आता जवाब है, दें, सवाल का जवाब दें। सुना है? उन्होंने थोड़ा काटने को कहा ना, बस सवाल ये है कि इस ट्रेडिशन को जारी क्यों रखा, वो बताएं। मैंने कहा ना इजिप्ट में अभी भी काटते हैं, मैंने एक इजिप्ट में कतर में था तो इजिप्ट जी से जी मैंने यही इजिप्ट बात कहा यार, इजिप्ट मुसलमानों में हाँ ऐसा हाँ नहीं होता, भाई भाई सुनिए ना मेरी बात सुनिए, इजिप्शियन मुसलमान ही है इससे ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्यों कटने का रखा कि इजिप्ट में आज भी हो रहा है और इसके ऊपर बड़े केसेस होते हैं और लड़कियां मर भी जाती हैं। तो सवाल फिर मर ये है, जाती इजिप्ट है, के सही बात मुसलमान आज भी काटते हैं, आप लोग भी आज काटते हैं, इंडिया के कुछ मुसलमान, बोरा कम्युनिटी 100% काटती है, उसके अलावा भी मुसलमान काटते काटती हैं। है, मुझे बताइए ये ट्रेडिशन मुसलमान मोहम्मद ने और नहीं काटते, जारी क्यों बोरा रखा? काटते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वही मैं कतर में था, एक इजिप्टियन से मैंने पूछा आप क्यों करते हैं गंदा काम, या औरत तो तकलीफ होता है, तब वो कहते थे उसका वो आदमी बोलता था हमारे दुकान के छेव में था, तो वो बोलता था कि इससे औरतों को भी सेक्स में मजा आता है, अब पता नहीं हमको है सेक्स कि में नहीं, मजा हम नहीं लोगों में आता, तो करते होते सेक्स नहीं में मजा नहीं आता, होते मजा नहीं आता, मजा खत्म कर देते हैं आप उसका, क्योंकि जो वो पार्ट है उसके अंदर 8,000 से ज्यादा सेंसेशनरी नर्व्स होती हैं, आप जब अच्छा वो काट देंगे तो उसका सेक्सुअल प्लेजर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सेंसेशनरी लेकिन नर्व्स जहां पे मौजूद हैं आपने वो काट दी हैं, तो सेक्स में मजा भरता नहीं है, उसका खत्म हो राइट, जाता है। सही ओके कहा नाउ आदम भाई आपने, तो ये क्यों मोहम्मद बताएं, ने एक यहाँ ही ये हिस्ट्री अलग ही थी, एक और लड़की को हमारे इधर नजदीकी वो एक भाई ईसाई हिस्ट्री थी, नहीं, उसको मैं भी पूछ कर रहा दिया था डॉक्टर मैं ने, पूछ अब समझ में आ गया, ओके तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कैसा कर देना चाहिए, राइट? नहीं, कर देना नहीं चाहिए, कर देना नहीं चाहिए, हिस्ट्रिया जिसको लगी होती है ना उसको कर देते हैं, एक इधर हमारे मोहम्मद ने थोड़ा सा दूर बचपन पे, अरे में खतना करवाने का क्यों कहा गया, ये पूछ रहा हूँ आपसे, बार बार आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, ऐसा इब्राहिम सवाल का का जवाब दीजिए। सुन्नत है, इब्राहिम का मूसा सुन्नत अलैहि है, सलाम का दिखा दादा, दीजिए ईसा मुझे अलैहि कि सलाम का इब्राहिम ने, दादा मुझे बता इब्राहिम दीजिए, दिखा लेडिक दीजिए, ने, हाँ उनका सुन्नत है, जी मुझे दिखा 80 दीजिए साल कि से अपनी तोते उड़ा दिए इब्राहिम अलैहि सलाम ने, ओके बताओ बेहतरीन, पागल का बच्चा था, मुझे बताइए कि इब्राहिम पागल के बच्चे थे, हाँ बताओ मुझे यार, बताइए ये कि जो कुलाड़ी से जो हाँ जो कुलारी से कुलाड़ी अपना से खतना कर खतना रहे। करे अच्छा मुझे ये आपने सिंपल अस्तूने ये से बताना है भाई, यार, आप मेरा टेम्परामेंट जो है ना लूज करवा रहे हैं भाई, जो सवाल है उसका जवाब अरे यार दीजिए। एड्रेनोक्रोम पियो यार यार आदम देखिए भाई यार, इब्राहिम ने मर्दों का खतना किया था, खुद भी मरता उसने अपना खतना किया था, आपकी हदीसें यही बताती हैं, उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था, ठीक है, उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था। आपसे सवाल यही है कि ये जो फीमेल का खतना है, फीमेल का खतना जो मोहम्मद ने ट्रेडिशन अलाउ किया था, उसके बारे में बात करें भाई। जी देखो आदम भाई ऐसा गोल गोल मत घुमाओ, अच्छा ये बताओ आदम अले यार ये मुझे बताइएगा साहिल, गोल गोल मैं घुमा रहा हूँ ये घुमा रहा है, ये इनको ये मैं घुमा सिंपल रहा सवाल है, है, पिछले 15 मिनट से एक ही सवाल कर रहा हूँ मैं, उसका जवाब नहीं आ रहा, और फिर गोल गोल मैं अच्छा घुमा रहा हूँ। ये अच्छा इसको अगर ये इब्राहिम की सुन्नत है तो ये फिर अपनी बेटी की कराए ना फिर, अरे लेकिन इसको ये पूछना चाहिए, अगर इब्राहिम की सुन्नत है तो इसने अपने बेटे का तो करवाया, अपना भी इसने करवाया हुआ है, इसके अब्बे का भी हुआ हुआ है, तो हाँ फिर इसने
इब्राहिम की सुन्नत पे अपना और अपने अब्बे का तो करवा लिया, तो अपनी बेटी का क्यों नहीं कराया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको वही पूछते हैं ना कि इब्राहिम की अगर सुन्नत है ले तो भाई अपनी बेटी का करवाओ ना फिर। देखो ना यार, आप साबित मत करो हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा और हाजरा का कराया था, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कराया नहीं है, था ओके, सारा और हाजरा का कहां पे कराया था प्लीज दिखा दे। नहीं कराया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने करा दिया था अपनी बीवी का, ओके आप मूसा ने साबित अपनी करके बीवी, दिखाओ, ओके मूसा ने अपनी बीवी का खतना कराया था दिखा दे। आप साबित करके दिखाओ मैं क्या? यही तो कह रहा हूं, मुझे हदीस दिखाए। आपने क्लेम किया ना मूसा अपनी बीवी का खतना कराया, अब आपने क्लेम किया तो आप ही रेफरेंस देंगे कि मैं दूंगा? वो पागल तो हो गए हो? इजिप्टियन थी ना, इजिप्टियन थी ना, वहाँ कबीलाई ट्राइब में ना वो लोग ओ करा मैन देते सीरियसली, थे, ऐसा ओके सारे लोग सुने, सारे लोग सुने, सारे लोग सुने, इनका एविडेंस ये है कि चूंकि वो इजिप्शियन थी इसलिए ही है। बाय उसने अपना डिफॉल्ट खतना सबका कराया होगा। था। यार हाउ स्टुपिड इट इज, इजिप्ट में जो खतने हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि इजिप्ट इस वक्त इस्लामिक रियासत है, मुसलमान कराते हैं। ओ माय गुडनेस यार, मैं इन लोगों के दिमाग का क्या, उफ तोबा तोबा है। मूसा के तो जमाने में मुसला कहां से आ गया? ओके आ भी गया, इनके मुताबिक तो मूसा भी मुसला था। अब आपने ये प्रूफ करना है कि मूसा ने अपनी बीवी का खतना कराया था, प्लीज वो बताएं, रेफरेंस दें। देखिए, आप ये साबित कर दीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का खतना नहीं करवाया था, किताबों से साबित कर दीजिए। मैं बिल्कुल अभी साबित करा कर देता देता हूं हूं, मूसा मैं अलैहिस्सलाम। बिल्कुल साबित कर देता हूं, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम ने अपनी बीवी का खतना कराया था, किताबों से साबित हो गया। नहीं लिखा है ना, नहीं मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो औरत इजिप्टियन थी, इजिप्टियन के करते थे। कहां पे लिखा हुआ है कि मूसा की बीवी का हुआ था? अच्छा, मूसा की बीवी कौन में से थी? मुझे नहीं अभी भी पता, आप यहूदी बताएं। हेरदी यहूदी है ना, अभी भी हेरदी यहूदी है ना, अभी भी करते हैं हेरदी यहूदी, सर्च कर लीजिए, हेरदी अबे यहूदी भाई औरत का खतना करते हैं, मैं ये बोल रहा मूसा हूं, अलैहिस्सलाम का सुन्नत मूसा मानते हैं, की, एक तो यहूदी नहीं करते नंबर एक, नंबर दूसरी बात, जो आपके हेरदी मूसा यहूदी की करते बीवी हैं। का, मूसा की बीवी यहूदी नहीं थी, खोती के बच्चे, वो इजिप्ट से जब इसलिए तो बाहर निकाल लिखवाई दिया थी गया था, ना, कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक उसने अपने एक साथी को मुक्का मार के कत्ल कर दिया था, उसके बाद वो वहां से भाग गया था इजिप्ट से, वो एक दूर दराज के इलाके में चला गया था, वहां पे उसे उस गांव में रहने वाली जिस बंदे ने उसको सेव किया था उसकी बेटी के साथ उसने शादी की थी, वो इजिप्शियन नहीं थी, वो औरत ही इजिप्शियन नहीं थी। चलो अगर तुम ये भी कहते हो तो मैं ये भी नहीं पता कि मूसा की बीवी इजिप्शियन नहीं थी। दिस इज हाउ स्ट्यूपिड यू आर, तुम्हें अपने कुरान और हदीस का भी नहीं पता, यू आर अ वेस्ट ऑफ माई प्रेशियस टाइम, गेट लॉस्ट। साहिल भाई आपने इनसे बात करनी तो कर ले, मेरी तरफ से डन है, नहीं या नहीं गिनी भाई ने किसी ने ये कर दिया था। कोई मतलब का नहीं है, ये साबित नहीं कर पाए कि रसूलुल्लाह ने इस गंदी प्रैक्टिस, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको WHO कहता है कि ये वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, और जाहिर सी बात है कि एक जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता हो वो भी यही कहेगा कि ये वायोलेशन ऑफ फीमेल राइट्स है कि आप उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साथ, अपनी मनमानी के साथ उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप छेड़खानी कर रहे हो और उसको मेडिकल प्रॉब्लम में डाल रहे हो, रिस्क में डाल रहे हो, उसका जो प्लेजर लेने का जो हक है वो आप कम कर रहे हो, इस बात को दर्शाता है कि फीमेल्स को इस्लाम में दबाया गया है, हर तरीके से दबाया गया है, और ये एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है, तो ये इसको साबित नहीं कर कौन पाए। है ये लोग?